नमस्कार, मैं हूं राखी जैन और आपका स्वागत करती हूं सत्ता संग्राम में राजनीतिक विशेषक अनिल लोढ़ा जी के साथ। लोकसभा चुनाव के शोर शराबे के बीच भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को कई झटके लगे हैं। चुनाव आयोग ने नमो टीवी, दूरदर्शन पर मैं भी चौकीदार और छापेमारी पर लेकर सख्ती दिखाई है। वहीं कोर्ट के इस रुख पर कांग्रेस ने कहा है कि ये देश की जीत है। कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दलों के दूसरे नेताओं ने भी मोदी सरकार को फिर से घेरना शुरू कर दिया है। अनिल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? एकदम थोड़ी सी हवा बदली है, एक तरफ चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी राफेल मामले को दोबारा जिंदा कर दिया है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा इस चुनाव के पूरे दौर में। सबसे पहली सबसे बड़ी घटना जिसको लेकर राहुल गांधी ने संसद में भी कहा कि मैं बोलूंगा तो आपके पांव के नीचे जमीन खिसक जाएगी, और राफेल को लेकर बार बार ये कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार तो खारिज कर दी थी याचिका, और जिसका हवाला देकर बीजेपी और मोदी सरकार बार बार कह रही थी कि हमें क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई है, उसकी पुनर्विचार याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगा, यानी कि अब से पहले दी गई क्लीन चिट अब अबेंस में है, अब वो तभी वापस लागू होगी, दोबारा क्लीन चिट मिलेगी, पुनर्विचार याचिका खारिज होगी तब जी। तो इसे विचारार्थ स्वीकार कर लिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि वो पुनर्विचार दोबारा देखने लायक विषय है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी गई वो दी गई कि कुछ तथ्य सरकार ने, कुछ दस्तावेज सरकार ने छुपाए सुप्रीम कोर्ट से, कुछ बातें आधी अधूरी कही गई, और प्रशांत भूषण ने और दूसरे लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दस्तावेज पेश किए गए, अरुण शौरी शायद उसमें शामिल थे, और एक अखबार ने, दक्षिण भारत के एक अखबार ने उन दस्तावेजों को छापा, प्रकाशित किया, और सरकार ने कहा कि दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए, रक्षा मंत्रालय की सुरक्षा पर इससे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह और कुछ हो नहीं सकता, कि भले चोरी करने वालों को आप कितना भी कटघरे में खड़ा करो जी। पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की थी उन दस्तावेजों की, आपके आपके कब्जे से दस्तावेज चोरी हो गए या कॉपी कर लिए गए और फिर उनको पेश कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक बार सरकार की तरफ तक जो दस्तावेज चोरी करके पेश किए गए उस पर सुनवाई ना की जाए, उसके आधार पर उन्हें कंसीडर ना किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज दस्तावेज हैं और उन पर गौर करेंगे दोबारा से, और इसके हिसाब से राफेल डील पर पुनर्विचार होगा कि क्या राफेल डील में किसी प्रकार की चोरी, घूस, रिश्वत ली गई है, नहीं ली गई है, क्या हुआ है वास्तव में, उसमें क्या गड़बड़झाला हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब दोबारा से तय होगा। अब कुल मिलाकर जो कांग्रेस की अब जो रैलियां हैं उसमें दम आ गया है। राहुल गांधी जो अब थोड़ा सा कुछ दिन से इस मामले में शांत हो गए थे, अब दोबारा से एक बार वो मोदी परिवार और ज्यादा करना शुरू कर देंगे। हाँ, आज ही उन्होंने नामांकन भरा है जी, राहुल गांधी ने, और उनके नामांकन के साथ ही एक तरह से उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनके चुनाव अभियान में सबसे बड़ा मुद्दा राफेल था और जिस पर वो चुप हुए पड़े थे काफी दिन से, अब आज से उन्हें दोबारा से बोलने का मौका मिल गया है, और वो इस सुप्रीम कोर्ट की पुनर्विचार याचिका का की सुनवाई का, इसको स्वीकार किए जाने का हवाला देकर चुनाव अभियान में लोगों के सामने सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी नहीं, बाकी जो और विपक्षी दलों के नेता हैं, हम मायावती की बात करें तो मायावती ने भी रक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आज ट्वीट करके मोदी को काफी कुछ कहा है, तो कुल मिलाकर एक बार दोबारा से जो विपक्षी दल हैं उनको एक मौका मिल गया है मोदी को और मोदी सरकार को घेरने का। देखिए, रक्षा मंत्री से इस्तीफे का तो कोई सवाल अभी नहीं है, क्योंकि दोबारा विचार के लिए स्वीकार करने का मतलब ये नहीं कि आरोपी मान लिया गया सरकार को जी। सरकार या प्रधानमंत्री जिनके भी खिलाफ वो याचिका है उन पर दोष सिद्ध नहीं हुआ अभी, लेकिन हाँ, वो जो निर्दोष वाली बात थी वो एक तरह से परिदृश्य पर से हट गई है, अब दोषी भी हो सकते हैं और निर्दोष भी हो सकते हैं, इसलिए इस्तीफे की कोई बात नहीं। लेकिन केजरीवाल ने, मायावती ने और सब लोगों ने जिस तरह पहले वाली क्लीन चिट को लेकर बीजेपी ने हल्ला मचाया था, ये उसका काउंटर है। आप नगाड़ा बजाओगे तो हम भी नगाड़ा बजाएंगे, आप ढोल पीटोगे हम भी ढोल पीटेंगे, आप अपनी सफलता पर क्लीन चिट पर ढोल पीटो, हम तो सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार के फैसले पर ढोल पीटेंगे, तो ये ढोल पीटने की होड़ मची हुई है।
उन्होंने नगाड़ा बजाया, इन्होंने नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया, ये है। सुप्रीम कोर्ट से आगे चलते हैं चुनाव आयोग की तरफ। काफी कुछ समय से चुनाव आयोग भी कई बार निशाने पे रहा है, उस पर भी काफी प्रश्न चिन्ह उठे हैं, लेकिन इस बार एक साथ ही कम से कम 2 से 3-4 मामलों में चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को, भाजपा को पाबंद किया है, चाहे वो नमो टीवी की बात हो, चाहे दूरदर्शन पर मैं भी चौकीदार जो कैंपेन था, करीब 85 मिनट तक वो लगातार चला। मोदी की जो बायोपिक है उस पर भी एक बार फिर रोक लगा दी गई, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मोदी की जो बायोपिक कल रिलीज होने वाली थी, 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अलाउ कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन ये था कि जो लॉ ऑफ द लैंड है, क्या उसका उल्लंघन हुआ है? नहीं हुआ। सेंसर बोर्ड से कोई चीज पास है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी हुई है हर व्यक्ति को, तो वो आर्टिकल 19 का कोई वॉयलेशन नहीं था जी। सुप्रीम कोर्ट खुद कंटेलमेंट कर नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट तो कैसे रोकता जी? उससे चुनाव में किसी को फायदा हो रहा, नुकसान हो रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं था। पर चुनाव में किसी को फायदा होगा नुकसान होगा, ये ज्यूरिडिक्शन चुनाव आयोग का था जी। चुनाव आयोग ने अपने ज्यूरिडिक्शन में लेकर इस विषय को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले डिसाइड किया था, मोदी की बायोपिक को जारी करने पर रोक लगाने से मना की थी जी। आज चुनाव आयोग ने उस पर रोक लगा दी। इसको इस तरह देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन था, उस ज्यूरिडिक्शन के तहत सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर था, मूल अधिकार को लेकर था, वो नहीं रोक सकता था, क्योंकि सेंसर बोर्ड से पास होकर कोई भी फिल्म आएगी तो वो फिर दिखाई जा सकती है, उसको रोका नहीं जाता, और सुप्रीम कोर्ट तय नहीं कर सकता आज दिखाई जाए या कल दिखाई जाए, ये उसका प्रोड्यूसर तय करेगा, निर्माता निर्देशक तय करेंगे, ठीक है, व्यावसायिक स्वतंत्रता भारत में सबको। लेकिन अगर वो कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन रखती है देश की, जनमानस को बदल सकती है, चुनाव आयोग को देखने का काम है ये जी। और उसके अवसर तारीख को देखकर, और एक ऐसे नेता को जो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री दोबारा बनने के प्रत्याशी हैं जी, उनके जीवन पर बनी फिल्म को दिखाए जाने से करोड़ों रुपए के खर्चे दिखाई गई है, या तो वो करोड़ों रुपया खर्चा उन प्रत्याशी के खर्चे में शामिल किया जाए चुनाव खर्च में जी, या पार्टी चुनाव खर्च में शामिल किया जाए, या फिर लॉ ऑफ द लैंड का इस तरह का उपयोग, राजनीतिक उपयोग करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने ज्यूरिडिक्शन लिया, लेकिन चुनाव आयोग का ज्यूरिडिक्शन दूसरा था, चुनाव आयोग ने चुनाव के मद्देनजर उसे रिलीज करने से रुकवाया है, और चुनाव पर उसके जो इम्पैक्ट आते, स्वस्थ और स्वच्छ और निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव हो सके, इसके लिए कल मतदान भी है, और कल ही वो फिल्म रिलीज होती तो इम्पैक्ट आ सकता था, इसे चुनाव आयोग ने इसको रुकवाया है, एक बात जी। चुनाव आयोग का दूसरा फैसला नमो टीवी को लेकर है। नमो टीवी को उसने एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म माना है, और उसके लिए सवाल किए हैं बीजेपी से जी, कि भारतीय जनता पार्टी बताए इस पर कितना खर्च किया गया, किस तरह का खर्च किया गया, और क्या ये टेलीविजन चैनल है या एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म है, एक बात। दूसरी बात, अगर वो विज्ञापन प्लेटफॉर्म है तो उस पर चलने वाले विज्ञापन चुनाव आयोग से अप्रूव ही होने चाहिए हर हाल में। तो टीवी चैनल है तो, और टीवी चैनल नहीं है, विज्ञापन प्लेटफॉर्म है तो भी चुनाव आयोग से अप्रूव होकर ही उसमें विज्ञापन चलाए जा सकते हैं, ये चुनाव आयोग ने कहा है। तो आज नमो टीवी को लेकर भी चुनाव आयोग ने सख्ती की है, और बीजेपी को उसने जवाब तलब किया है जी। तीसरी बड़ी बात चुनाव आयोग ने आज जो की है, वो मैं भी चौकीदार एक कार्यक्रम हुआ था 31 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की ओर से जी। पूरे देश में 500 जगह प्रधानमंत्री के इस संवाद कार्यक्रम को देखा गया जी। और जगह जगह पर बीजेपी के कार्यकर्ता टोपी लगाकर, मैं भी चौकीदार और कमल का चुनाव चिन्ह लगाकर बैठे थे, और कुछ जगह से सवाल किए गए और नारे लगे मोदी जिंदाबाद के, कमल के निशान के, कमल का निशान मोदी के पीछे भी था, पूरा तरह वो पार्टी का प्रचार तंत्र था। उसे दूरदर्शन ने, जो सरकारी चैनल है, उसने लाइव दिखाया था करीब 85 मिनट तक। चुनाव आयोग का कहना यह है कि अगर आपने इनको 85 मिनट लाइव दिखाया है, तो क्या आप दूसरी पार्टियों को भी इसी तरह समान रूप से समय देने को तैयार हैं जी, या नहीं है? तो किस तरह आपने इसको दिखा दिया सरकारी चैनल होने के बावजूद एक पार्टी के प्रोग्राम को लाइव, और देश भर के कोने कोने से पूछे जाने वाले सवालों को, जिनमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री का कोई संदेश नहीं था, उसमें एक चुनाव लड़ रही पार्टी के नायक का संदेश था जी, चुनाव लड़ रही पार्टी का एजेंडा सामने लाया जा रहा था, सवाल जवाब जो अगर हो रहे थे तो क्या, कैसे जीतेंगे, जीत के क्या करेंगे, क्या वादे हैं, क्या वादे थे, इन पर सब चर्चा हो रही थी, पूरी पॉलिटिकल चर्चा थी। चुनाव चिन्ह पीछे लगा हुआ था, चुनाव चिन्ह हर दर्शक की सवाल पूछने वाली टोपी पर था, और
इसलिए पूरी तरह पार्टी का कार्यक्रम सरकारी चैनल ने 85 मिनट तक दिखाया। इस पर आज चुनाव आयोग ने सवाल खड़ा किया है और कहा है कि क्या अन्य राजनीतिक दलों को भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी दूरदर्शन देने को तैयार है क्या, जी। तो दूरदर्शन को इसका जवाब देना पड़ेगा जी। साथ ही ईडी को भी चुनाव आयोग ने थोड़ा पाबंद किया है कि अब आप आगे कुछ अगर छापे डालने वाले हैं तो हमारी जानकारी में जरूर लेकर आएंगे। ये बात इसलिए उठी है, कमलनाथ के रिश्तेदारों के करीबियों के खिलाफ छापे पड़े और वहां पर कांग्रेस का जो कोषाध्यक्ष के साथ जो अटैच्ड है कैशियर जी, उसके पास छापे पड़े और उसके घर में पैसे मिले या उसके वहां डायरी मिली, उसके यहाँ ये मिला या नगद पैसे मिले वगैरह वगैरह तमाम बातें हुई। ये सारी वो बातें हैं जिनका कि चूंकि राजनीतिक दल से संबंधित छापे हैं ये जी, इसलिए चुनाव में इनकी खबर छपना, खबर दिखाया जाना टीवी पर और इनका प्रोपोगंडा करना एडवर्स इफेक्ट डालता किसी पार्टी पर जी। तो चुनाव आयोग ने क्योंकि पहली बार छापे डाले और सीबीडीटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, छापे डाले और ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सूचना दे रहा है मीडिया को, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है छापेमारी को चुनाव में किसी पार्टी के खिलाफ, एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसी चर्चा सब जगह थी कि एक पार्टी विशेष को हिट करने के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए चुनाव आयोग ने आज इसमें हस्तक्षेप किया और ईडी को कहा और मेरे ख्याल से सीबीडीटी को भी कहा कि इस तरह के छापे अगर पड़ते हैं, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, उसको भी कहा गया है कि आप इस तरह छापे डालने पहले हमारी जानकारी में लाइए कि आप कहीं छापे डालने जा रहे हैं, हमसे इजाजत लीजिए जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक जी। कुल मिला के केंद्र सरकार और भाजपा एक साथ ही थोड़ा मुश्किल में आ गई है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में एक ही दिन के अंदर और एक तरफ चुनाव आयोग की बात को लेके। चलिए अब वक्त है एक छोटे